हेलो एवरीवन आई एम कार्तिका एंड वी पीपल वेवोलूशन चैप्टर ऑफ येड डिस्कसिंग दिस और मैंने आप लोगों को दिखाया था इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सोसाइटी है वो तीन स्टेट्स के अंदर बटी हुई है फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट एज यू पीपल कैन सी देन वी पीपल वर्कसिंग दैट वेन लुई सिक्स ही केम टू पार वॉट हैपन इन द कंट्री क्या सब चल रहा था उस टाइम में फ्रांस के अंदर तो हम देख रहे थे फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो थे वो नहीं थे ट्रेजरी एम टी थी दैन इस हालात के अंदर जो है आ, लुई सिक्सटीन के अंदर आ, के अंडर जो है वो वॉर थर्टीन कॉलोनीज जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उनका वॉर जो था वो भी फ्रांस उसके अंदर उनको सपोर्ट कर रहा था दैन जो डेथ था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और हर बढ़ते डेथ के साथ जो उनको दस परसेंट इंटरेस्ट भी देना पड़ता था और इंटरेस्ट के बढ़ते बढ़ते जो है वो बजट जो है अपना काफी जो बजट का बड़ा चंक था उसका हिस्सा जो है वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ही चला जाता था तो उसके बाद वी वीपल सो दैट जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो लुई सिक्सटीन वन ही केम टू पार वट काइंड वर देयर जिनके अंडर की वो रूलर बने थे तो वी पीपल सी कि अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना कोर्ट को मेंटेन करना गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना तो स्टेट को फोर्स स्टेट uh, जो था वो फोर्स टू इंक्रीज दू वी पीपल सी दैट टू मीट एक्सपेंसेस दे वॉज अ नीड ऑफ इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग ऑफ द टैक्सेस तो टैक्सेस को इंक्रीज करने का जो था वो जरूरत यहाँ पर लगने लगा और जो ये मेजर था ये लेने के बावजूद जो है उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ पाएगा क्योंकि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो तीन स्टेट्स के अंदर बटी हुई थी और जो सिर्फ थर्ड स्टेट था दैट वाज द टैक्स पेइंग स्टेट सो इंक्रीमेंट Of taxes could not suffice the situation alone because the only tax paying. ओनली टैक्स पेइंग स्टेट स्टेट शुरू थर्ड स्टेट था वही टैक्स पेइंग स्टेट था तो इस वजह से जो है कोई फायदा नहीं था एंड एज आई टोल्ड यू जो सोसाइटी है स्टेट की वो पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम

ओल्ड रिजीम की तो ओल्ड रिजीम जो टर्म है इसको इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को जो फ्रांस के अंदर थे बिफोर दिन एटी नाइन ओके सो मूविंग फॉरवर्ड जिसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ये मैंने आप लोगों को पूरा टेबल यहां पर बनाकर दिया था जिसके अंदर की हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कैसे हमने देखा इस फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी है सेकंड नोबिलिटी है और थर्ड जो है वो बिग बिजनेसमैन मर्चेंट्स कोर्ट ऑफिशियल लॉयर्स पहली कैटेगरी है दूसरी कैटेगरी थर्ड स्टेट की है एंड और जो थर्ड कैटेगरी दैट इज स्मॉल पेजेंट लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स की तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था सो so, जो ये पूरा सिस्टम है सिस्टम ऑफ स्टेट्स फ्रेंच सोसाइटी का वो ऑर्गेनाइज था और जो पेजेंट थे दे दे मेड मेड देउट नाइन्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन तो जो पेजेंट हैं वो नब्बे पॉपुलेशन का हिस्सा थे सो वी पीपल सी दैट नाइंटी परसेंट ओके सो नाइंटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप In the French state, ninety percent of the population was made up by the peasants. So peasants today.

nobles, the church, and other richer members of the third state. and other richer members of the third e-state. So, किस किस के पास लैंड था सिक्सटी परसेंट जो लैंड था वो इन तीन कैटेगरीज के पास था पहली है नोबल्स दूसरा है चर्च और तीसरा है रिच मेंबर्स जो कि थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे जो कि हमने पहले कैटेगरी पढ़ी है ना वो ओके मूविंग ऑन फॉरवर्ड द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट जो मेंबर हैं पहले दो स्टेट्स के यानी कि क्लर्जी और जो नोबिलिटी है वो एंजॉय करते थे कुछ Privileges, uh, and those were the privileges that were given to them by birth. So, we people see that members of the First and Second Estate. State enjoyed certain privileges, certain privileges by birth. So they used to enjoy certain privileges by birth. उनको बर्थ राइट से कुछ प्रिविलेजेस मिले गए थे और जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट वन ऑफ विच वाज पेइंग टैक्सेस सॉरी वाज एग्जेप्शन एग्जेमशन ऑन एग्जाम ऑन पेक्सेस टू दू दिन लोगों को जो है वो स्टेट को टैक्सेस नहीं देने होते थे तो देवर एग्जेपेड एग्जाम्पन मैंने ऊपर लिखा है आई एम सॉरी आई जस्ट फोर गो टू राइट दर्ड देर सो पारी सो एग्जाम्पन उनको दिया गया टू पे दैक्सेस टू द स्टेट नेक्स्ट भी पीपल सी जो नोबल्स है वो एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस भी और जो चीज वो लोग एंजॉय करते थे क्या एंजॉय करते थे नोबल्स एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलजेस फ्यूडल प्रिवलेजेस So, जो नोबल्स हैं वो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते थे जैसे कि फ्यूडल ड्यूज जो कि वो पेजेंट से लेते थे और जो पेजेंट्स थे उनको सर्विसेस देनी पड़ती थी इनको एंड देवर आल्सो देयर लॉर्ड्स तो जो नोबल्स हैं उनको लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे और जो फ्यूडल जो पेजेंट्स थे वो लोग इनको सर्विस दे देते थे अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को सर्विसेज देते थे जैसे कि उनके घरों में काम करना उनके फील्ड्स में काम करना उनकी आर्मी में सर्व करना एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन बिल्डिंग दी रोड्स तो नोबल्स एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेज जैसे कि फ्यूडल ड्यूज जो कि वो पेजेंट से लेते थे or also they used to enjoy the services enjoying services of the peasants also they enjoyed services फ्रॉम दौन कौन सी सर्विस आप लोगों को बता दियाट इन यूर बुक एंड इफ यू फाइंड इट फिट यूपल कैन राइट इट इन योर आंसर शीट्स ओके नेक्स्ट वी वी पिल सी दैट जो चर्च है वो भी एक्सट्रैक्ट करता था अपना शेयर ऑफ टैक्सेस दैट वॉज कॉल्ड टाइड सो टाइड के नाम से जो है uh, जो टैक्स था जो चर्च लेता था उसे क्या कहा जाता था टाइथ सो टाइथ पेजेंट से लिया जाता था और जो सारे मेंबर से थर्ड स्टेट के उन लोगों को पे करना पड़ता था ये टैक्स सो द चर्च एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पेजेंट्स एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट सो जो चर्च लेता था पेजेंट से उसको कहा जाता था Tide. और उसके बाद जो थर्ड स्टेट के सारे ही मेंबर्स थे वो पे करते थे टैक्सेस टू द स्टेट सो इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स जो टैक्सेस की लिस्ट है उसमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं उसमें टैक्सेस आते हैं डायरेक्ट टैक्स जिसको बोला जाता था यू पीपल कैन सी इट्स आई स्पेल इट आउट इसके स्पेलिंग्स हैं T A I double L E that is pronounced as Thai. So Thai जो है uh, this was uh, uh, direct tax को कहा जाता था ताइल. Then a number of indirect taxes जो कि लगाए जाते थे जैसे articles जो आ रोज के आपके कंजम्पन के आर्टिकल्स है उन पे लगा दिए गए जैसे सॉल्ट या टोबैको ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाते थे इनके ऊपर ठीक है देन द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेज वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन तो जो स्टेट की एक्टिविटीज हैं उनका जो फाइनेंस करने का ये जो एक्टिविटी जो स्टेट कर रहा है उस एक्टिविटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का जो पूरा का पूरा बर्डन था वो किस पर था वो थर्ड स्टेट पर था सिर्फ थर्ड स्टेट पर था सो वी वी विल सी की नेक्स्ट वी वी विल सी दैट चर्च भी लेता था ड्यूस सो चर्च का जो शेयर है टैक्सेस का उसको क्या कहा जाता था चर्च extracted taxes called क्या कहा जाता था इन टैक्सेस को दिस टैक्सेस वे कॉल्ड टाइट कॉल्ड टाइट फ्रॉम दी प्रेजेंट तो प्रेजेंट से जो टैक्सेस लेंगे चर्च uh, उसको कहा जाएगा टाइट उसके बाद फाइनली सारे ही स्टेट को जो है थर्ड स्टेट को कलेक्टिवली जो है वो देना होता था स्टेट को जैसा कि हम लोग जानते हैं सो टैक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो टैक्सेस इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स टैक्सेस के अगर हम लिस्ट देख ले तो एक डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था जिसको कहा जाता था कॉल्ड टाइल तो दिस इज द डायरेक्ट टैक्स इसे टाइल कहा जाता है देन इनडायरेक्ट टैक्सेस अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लेवी करने ऐसे कि कंजम्पन टैक्स कंजम्पन टैक्स ऑन सॉल्ट और टोबैको तो ये कंजम्पशन की चीजें हैं इनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया और जितना भी आ, स्टेट का जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं जो सॉरी जो स्टेट को फाइनेंस की जाती थी उनकी एक्टिविटीज को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था वो कहां से मिलता था इसका पूरा बर्डन किसके ऊपर था थर्ड स्टेट के ऊपर था सो वी देर फोर सी लास्टली दैट फाइनेंसिंग द स्टेट एक्टिविटीज बस alone on the third estate. So third estate के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा जो था activity इस पूरे का जो जिम्मेदारी थी वो third estate के ऊपर था Now moving on forward. this we people have डिकस्ड अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी इन एटीन सेंचुरी के अंदर जो उसका पहला हिस्सा है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स नेक्स्ट इसी का जो हिस्सा है इसका सब कैटेगरी है दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव दैट इज वॉट पीपल आर गोइंग टू डिस्कस पीपल आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रगल टू सर्वाइव So yes, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इसी का सब कैटेगरी है दट इज टू सर्वाइव आई होप यू पीपल कैन सी द स्ट्रगल टू सर्वाइव सो दिस इज द टॉपिक दैट्स वे पीपल आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रगल टू सर्वाइव सो द स्ट्रगल टू सर्वाइव का जो टॉपिक है दिस इज दब टॉपिक ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग सेंचुरी पीपल आर गोइंग टू सी कि क्या स्ट्रगल्स थे किस तरीके से जो सर्वाइवल को लेकर के जो कुछ स्ट्रगल्स थे वो यहाँ पर किस तरीके से चल रहे थे फ्रांस के अंदर सो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की इट रोज फ्राम ट्वेंटी थ्री मिलियन इन सेवेंटीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी एट मिलियन इन सेवनटीन एटी नाइन सो द पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग इसकी वजह से क्या हुआ क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी देर वॉज रेपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रीनस ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड का जो सप्लाई है फूड का जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा सो so, जो फूड है उसका डिमांड भी बढ़ने लग गया ओके नेक्स्ट फी पीपल्स ये जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का जो अब क्योंकि फूड का डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी ग्रीन्स का जो प्रोडक्शन था वो उतना नहीं था जितना पॉपुलेशन जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतनी तेजी से ग्रीन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा so था सो जो पेस था पॉपुलेशन की इंक्रीज इंक्रीमेंट का और जो पेस था फूड ग्रेन्स की इंक्रीमेंट का प्रोडक्शन का वो एक साथ नहीं था इट वॉज लेस दे पॉपुलेशन सो अगेन अगर ऐसा होगा तो लोगों को भूखा मरना पड़ेगा सो दट वॉज दीपल प्रोडक्शन था ग्रेन का दैट कु पेस विद दिमाड डिमांड है उसके साथ प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी नेक्स्ट भी पीपल सी जो प्राइस था ब्रेड का वो अब सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज अ स्टेपल डाइट अब बेसिक डाइट है स्टेपल डाइट थी वहां की ब्रेड सो so जो ब्रेड का प्राइस था मेजोरिटी के लोगों के लिए वो बढ़ गया सो so अब क्योंकि ब्रेड जो है वहाँ के मैक्सिमम लोग खाते थे सर्वाइवल के लिए तो ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्शन उतनी नहीं थी लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी सप्लाई डिमांड uh, के हिसाब से नहीं चल पा रहा था सो देयरफॉर फॉर वी पीपल सी कि जो प्राइस था ब्रेड का वो बढ़ गया और ब्रेड क्या है ब्रेड एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी वहाँ के लोगों के लिए ब्रेड जो है वहाँ के लोग एक बेसिक मतलब जो ज्यादातर जो खाने वाली चीज थी वो ब्रेड ही वहाँ पर खाई जाती थी स्टेपल वहाँ का जो फूड था वो था वहाँ का सो so, हम देखते हैं उसका प्राइस ही बढ़ गया अब जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में सबसे ज्यादा चावल ही खाए जाते हैं लोग जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा चावल खाते हैं तो अब चावल के अगर आप प्राइस बढ़ा देंगे तो गरीब आदमी के लिए कितनी मुश्किल वाली बात हो जाएगी सो so, वैसे ही हम देखते हैं कि वहां पर ब्रेड थी ब्रेड का प्राइस जो है वहाँ पे मैक्सिम लोग ब्रेड खाते थे सो so, ब्रेड का प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आई वहाँ पर सो so, जो वर्कर्स थे देवर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन दी वर्कशॉप्स जिनके ओनर्स ने उनको फिक्स वेजेस पे रखा हुआ था तो जो वहाँ पे वर्कर्स थे उनको लेबरर्स की तरह एम्प्लॉयमेंट दिया गया और जो उनके वहाँ पर मालिक थे जिन्होंने उनको नौकरी दी थी उनको उन्होंने फिक्स्ड वेजेस पे रखा था इतनी सैलरी आपको मिलेगी सो so, जो वेजेस थे वो दी जाती थी जो इनको लेबरर्स को यानी कि जो वर्कर्स थे इनको जब पैसे दिए जाते थे वेजेस दिए जाती थी तो वो जो प्राइस बढ़ रहा है हर चीज का तो वेजेस तो नहीं बढ़ रही थी वो तो वहीं की वहीं थी तो प्राइस यहाँ जा रहा था वेजेस यहाँ पे थी तो जो वेजेस थे दे कुड नॉट कीप पेस विद दी सेम स्पीड से दोनों चीजें नहीं बढ़ रही थी प्राइस यहाँ पर है कमोडिटी का और जो वेजेस है वो यहीं पर है तो वेजेस यहाँ पर होने के कारण कमोडिटी उनको नहीं मिले जाती थी नहीं मिल ले सकते थे वो तो ये एक दिक्कत आ रही थी तो जो गैप था बिटवीन रिच एंड पुअर वो भी बढ़ता जा रहा था सो so, ये जो सारी चीजें थी ये और वर्स हो गई जब वहां पर एक ड्राउट आ गया सूखा पड़ने की वजह से हार्वेस्ट कम हुआ वहां पर इस वजह से और दिक्कत आ गई देन वी पिल सी दिस लेड टू अबेंस क्राइसिस what is the subsistence crisis i will discuss it is also given in your book so there was a subsistence crisis jo ki bahut frequently aane lag gaya tha france ke andar jab old regime chal raha tha old regime क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया था old regime is the time जब हम लोग discuss करते हैं uh, society uh, को और इंस्टीट्यूशन को फ्रांस के बिफोर बिफोर सेवनटीन एटी नाइन सेवनटीन एटी नाइन से पहले जो फ्रांस है उसको ओल्ड रेजीम कहा जाता है ओके okay, सो so ये सब ओल्ड रेजीम के टाइम पे बातें चल रही हैं। सो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे जो बेसिक मींस है लाइवलीहुड का वो भी दिक्कत में आ जाता है दैट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड सो स्ट्रगल टू सर्वाइव के अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूंगी ओल्ड रजीम क्या है ओल्ड रजीम का पता होना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है सो ओल्ड रजीम इज ओल्ड रजीम है वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन फ्रांस के सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर सेवनटीन एटी नाइन तो वो सोसाइटी और वो इंस्टीट्यूशन जो सेवनटीन एटी नाइन से पहले हैं उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो वो ओल्ड रजीम के अंडर आप डाल सकते हो So, बात करते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव की तो पहली जो दिक्कत यहां पर आ रही थी वो क्या आ रही थी वो आ रही थी पॉपुलेशन बढ़ गई थी फ्रांस की सो इंक्रीज पॉपुलेशन कुड नॉट कीप अपेस विथ दोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सो प्रोडक्शन जो थी फूड ग्रेन की और पॉपुलेशन वो एक ही तरह से दोनों नहीं बढ़ रहे थे ठीक है तो अब पहला हो गया इंक्रीमेंट ऑफ दिस पॉपुलेशन नेक्स्ट इज की जो सप्लाई था फूड ग्रेन का वो कम था उसको क्लब करके मैंने एक ही पॉइंट बना दिया है मूविंग ऑन फॉरवर्ड नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट इंक्रीज सो जो ब्रेड है उसका प्राइस भी बढ़ गया नेक्स्ट वी पीपल सी दैट जो वर्कर्स थे उनको लेबरर्स की तरह uh, वर्कशॉप के अंदर काम करने के लिए कहा गया फिक्सड वेजेस के अंदर सो so, वर्कर्स व वो एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप ऑन फिक्स वेजेस अब उनको तो फिक्स वेजेस के ऊपर रखा हुआ था लेकिन उनकी जो वेजेस थी दैट वॉज नॉट यू नो गोइंग एट द सेम स्पीड जो कि इसकी होती थी प्राइसेस बढ़ने की सो वेजेस खुड नॉट कीप पेस विथ दाइस एंड प्राइस तो यहाँ पर ये भी बढ़ता जा रहा था नेक्स्ट वी पीपल सी दैट जो यहाँ पर और जो दिक्कत आ रही थी वो क्या आता कि जो गैप था रिच और पुअर के बीच का वो भी बढ़ता जा रहा था सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर Widened. इनके बीच का जो गैप था वो भी बढ़ता जा रहा था नेक्स्ट वी पीपल सी आई हैव द पेज यू पीपल कैन पॉज़ द वीडियो टेक डाउन द नोट नेक्स्ट वी पीपल सी कि यहां पर क्या हुआ ड्राउट भी आ गया सूखा पड़ गया सो बिक ऑफ

Lastly, we will see this led to the subsistence crisis. Therefore, this led to the subsistence crisis. जो कि फ्रांस के अंदर फ्रीक्वेंटली आने लग गया था अंडर दी ओल्ड रेजीम। अखरिंग फ्रीक्वेंटली ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो ओल्ड रेजीम के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली अंडर ओल्ड रजीम ऑफ फ्रांस ओल्ड जो है ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट थी आप सब सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है उसका डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ यहां पर सबसिस्टेंस क्राइसिस सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इसका मतलब क्या है वो एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे जो बेसिक मीन्स है लाइवलीहुड का वो भी खतरे में आ जाता है ओके okay. क्राइसिस so, क्या है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक

वो जो चीजें हैं जिससे कि हम अपना लाइवलीहुड बनाते हैं वो भी खतरे में आ जाती हैं सो दिस इज दब्सिक्वेंट सॉरी सब्सिस्टेंस क्राइसिस सो दिस वाज़ द स्टेट अंडर हम बात करते हैं पुराने वाले रिजीम की तो उसके अंडर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सफर कर रहा था फ्रांस मूविंग ऑन फॉरवर्ड Uh, now we people, I I hope you people have understood this topic जो मैंने 1.1 पॉइंट वन आप लोगों के साथ शुरू किया है यहाँ पर ही आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को ये क्लियरली स्क्रीन पर भी ये दिख रहा है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग फिर नोट्स ले सकते हैं सो so, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है द स्ट्रगल टू सरवाइव नेक्स्ट आई विल भी स्टार्टिंग अप With with the topic growing middle class, and end to privileges, this is what I'm gonna start with you people. But विद द टॉपिक ग्रोइंग करूंगी uh, later. सेकेंड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक दैट इज हाउ अटेंस क्राइसिस आकर तो जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है वो कैसे होता है अगर बैड हार्वेस्ट हो देन उसकी वजह से जो पुअर है वो ब्रेड नहीं खरीद सकता है देन of डिजीज़ एंड यू नो एपिडमिक्स जो हैं वो होते हैं सो वी पीपल सी दैट बैड हारवेस्ट की वजह से जो है यहाँ पर स्केरसिटी आ जाता है ग्रेंस का उसकी वजह से जो है वी पीपल सी की जो फूड प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं और फूड प्राइस बढ़ने की वजह से जो पुअर हैं वो ब्रेड नहीं खरीद पाते हैं उसके बाद वी पीपल सी दैट दिस लीड्स टू पोअर अगर नहीं खरीद पाएंगे तो उनकी बॉडीज जो हैं वो वीक हो जाएंगी एंड दे विल्सो दे विल बी वीकर बॉडीज एंड दे विल बी बिकॉज ऑफ दैट बी देस और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डेथ हैं वो बढ़ जाएंगे जो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स होगा वो बढ़ जाएगा सो रीज आर द फुल कोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो ये जो फुल कोर्स है सबसिस्टेंस क्राइसिस का ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट क्लास सो वी पीपल पल आ एंडिंग ऑफ द टॉपिक जो भी हम लोगों ने अभी आप लोगों का के साथ जो मैंने डिस्कस किया है ये जो स्ट्रगल टू सरवाइव जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है प्लस जो सिर्फ पहले का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पूरा खत्म किया है तो आई एल जस्ट फटाफट से मैं उस पूरे को ख़त्म करती हूँ आप लोगों के साथ मैं एक बार आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ उस पूरी टॉपिक का सो so, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था कि जो एक्सपेंसेस थे वो टैक्सेस के थ्रू ही आ, पूरे हो सकते थे लेकिन टैक्सेस को खाली इंक्रीज करना वो बहुत नहीं था क्योंकि सिर्फ एक ही कैटेगरी जो थी वो टैक्सेस पे कर रही थी आ, इसके अंदर तो जो स्टेट को ज्यादा फायदा तो नहीं हो पाता तो वी वीपल सी जो फ्रेंच स्टेट है उसमें 90 परसेंट जो पॉपुलेशन थी दैट वाज मेड बाय दी पेजेंट्री पेजेंट्स के थ्रू जो थी वो मैक्सिमम पॉपुलेशन बनती थी और जो 60 परसेंट लैंड था वो किसके अंडर था वो अंडर था नोबल्स के चर्च के और जो अमीर लोग थे थर्ड स्टेट के उनके अंडर था सो नेक्स्ट वी पीपल सी दैट जो मेंबर्स थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के वो इन्जॉय करते थे कुछ प्रिवेलेज जिनमें से जो कि उनके बर्थ बेस्ड प्रिवलेज थी तो उनमें से एक प्रिविलेज क्या थी कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था स्टेट को और जो फ्यूडल नोबल्स के लिए जो फ्यूडल प्रिवलेज थी वो क्या थी उनके फ्यूडल ड्यूज और वो सर्विसेज इन्जॉय करते थे जो उनको पेजेंट्स देते थे चर्च जो था वो भी टैक्स लेता था किससे लेता था प्रेजेंट से लेता था उसे कहा जाता था टाइट्स और ये जो टैक्सेस टैक्सेस की की अगर हम लोग बात करें तो लिस्ट में क्या आता था एक डायरेक्ट टैक्स आता था जिसे कि टाई कहा जाता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स आता था जो कि कंजम्पशन की चीजों के ऊपर लगाया जाता था जैसे कि सॉल्ट हो गया टोबैको हो गया सो सी की जो पूरा फाइनेंशियल बर्डन था दैट वाज ऑन दी ऑफ़ दी थर्ड स्टेट तो स्टेट की एक्टिविटीज को कौन फाइनेंस करता था थर्ड स्टेट फाइनेंस करता था सो so, इस टॉपिक को हम लोगों ने खत्म करने के बाद इसका एक सब टॉपिक शुरू किया दैट इज दगल टू सर्वाइव हम लोगों ने शुरू किया और स्ट्रगल टू सर्वाइव में हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड रिजीम है uh, I सो आई हैव रिटन इट ट्वाइस आप लोगों को मैंने दो बार ये लिख दिया है ओल्ड रिजीम के बारे में तो ये वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन है फ्रांस का जो कि इट वॉज़ देयर बिफोर सेवनटीन एटी नाइन सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा कि धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन बढ़ती गई और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ रहा था So, जो पेस था दोनों का वो एक सा नहीं था उसके बाद हम लोगों ने देखा जो ब्रेड एक स्टेपल डाइट थी वहां के मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए फ्रांस के उसका प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया देन भी पीपल सी जो वर्कर्स थे उनको लेबरर्स की तरह एम्प्लॉय किया गया वर्कशॉप के अंदर और उन्हें फिक्स्ड वेजेस पे रखा गया अब फिक्स उनकी वेजेस थी लेकिन जो प्राइस थे वो तो बढ़ रहे थे इसलिए जो वेजेस थे और जो प्राइस थे वो एक ही पेस से नहीं बढ़ रहे थे तो वेजेस कुड नॉट कीप द पेस विद द राइज इन प्राइसेस सो जो गैप था बिटवीन रिच एंड पुअर दैट वाज इंक्रीजिंग सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर दैट इंक्रीज्ड लास्टली वी पीपल सॉ Uh, की जो ड्राउट्स और हेल होते हैं उनकी वजह से हम देखते थे कि देर वॉज रिडक्शन ऑफ हार्वेस्ट हार्वेस्ट था वो बैड हार्वेस्ट हुआ करता था सो so, इस वजह से वी पीपल यूज टू सी की सबसे क्राइसिस की एक कंडीशन बन जाती थी जो कि ओल्ड रजीम में काफ़ी फ्रीक्वेंट थी सो दे फॉर वी पीपल सी दैट जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है वो क्या है एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे जो आपका लाइवलीहुड है उसे एंडेंजर्ड उसे खतरा होता है सो दिस इज वॉट वी पीपल हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आई बी टेकिंग विल्ड थ्री इन माई नेक्स्ट क्लास सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक यू